हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर स्मार्ट कॉल सेटिंग करनी है तो कैसे कर सकते हैं, आज इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो में बहुत सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके अपने फ़ोन के अंदर अपनी कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको अपने फ़ोन के अंदर अपनी कॉल सेटिंग करने के लिए सबसे पहले अपने डायलर ओपन कर लेना है। डायलर ओपन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो आपको थ्री डॉट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर जाएंगे और सेटिंग्स में आ जाएंगे। आप सबसे पहले सेटिंग में आ जाएंगे तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कॉलर आईडी, यहाँ इस पर जाएंगे, यहाँ से आप इसे इनेबल कर देंगे। इसे इनेबल करने के बाद इसे भी चाहें तो आप यहाँ से इनेबल कर देंगे। अब आपका ये ट्रू कॉलर की तरह काम करता है, जो भी कॉल वगैरह आती है वो आपको फिल्टर स्पैम सारा कुछ बता देता है इसे आप यूज़ करेंगे तो। उसके बाद आपको ऑप्शन नंबर मिल जाता है ब्लॉक नंबर्स, तो सिंपली हम ब्लॉक नंबर पर जाएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो अननोन नंबर की कॉल होती है वो हमने यहाँ से आप इन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। अननोन नंबर जो भी नंबर आपके फ़ोन में सेव होते हैं सिर्फ उन्हीं की कॉल आएगी, जो नंबर आपके फ़ोन में सेव नहीं होंगे तो उनकी कॉल आपको नहीं मिलेगी, इसे आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। अगर आपको एक पर्सनल नंबर की कॉल ब्लॉक करनी है, कोई प्राइवेट नंबर हो, पर्सनल नंबर हो, तो ऐड ए नंबर पर जाएंगे, सिंपली आप यहाँ से उस नंबर को ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से उस नंबर को ब्लॉक कर देंगे, जो भी नंबर आपको ब्लॉक करना है तो यहाँ से आपसे ब्लॉक कर सकते हैं। इन फ्यूचर कभी आपको इसे अनब्लॉक करना है तो क्रॉस क्वेश्चन मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे और इसे कर देंगे अब यहाँ से अनब्लॉक। तो इस प्रकार से आप इसे अनब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन दो मिल जाता है कॉलिंग अकाउंट, तो कॉलिंग अकाउंट पे जाएंगे आप। कॉलिंग अकाउंट पे सिम वन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ आपको ऑप्शन दो मिल जाता है वाईफाई कॉलिंग, यहाँ से जाएंगे, जहाँ से आपको इसे वाई अगर ऑफ हो तो इसे आप ऑन कर देंगे, यहाँ से ऑफ ऑन कर देंगे। अगर आपके फ़ोन में वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है तो यहाँ से आप इसे ऑवर कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ से आपको टर्न ऑन वीडियो कॉल, यहाँ से ऑन कर सकते हैं, हमने अपनी ऑन कर रखी है। अगर आपके फ़ोन में वाइट कॉल ऑफ हो तो यहाँ से जाके वीडियो कॉल को ऑन कर सकते हैं। अगर आपको कॉल फॉरवर्ड करनी है तो यहाँ कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जिस पर जाके अपनी कॉल फॉरवर्ड कर सकते हैं। वैसे आप चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं, इसकी हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, एडिशनल सेटिंग में जाएंगे। अब एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से आपको कॉल वेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसे आप चाहें तो यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ से हम और बैक आएंगे, यहाँ आपको ऑप्शन दो मिल जाता है डायल डिस्प्ले ऑप्शन, तो डिस्प्ले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, जिसमें आपके ऑप्शन दो मिल जाते हैं जो आपके कॉन्टैक्ट सेव होती हैं उन्हें आप कैसे शो करना चाहते हैं, फर्स्ट नेम से या लास्ट नेम से। तो हमने अपने फ़ोन में फर्स्ट नेम से शो कर रखे हैं, अगर आप लास्ट नेम से शो करना चाहें तो यहाँ आपको लास्ट नेम का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जो भी आपको अच्छा लगे वहाँ से आप शो करा सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाते हैं नियर बाई प्लेसेस, इससे क्या होता है यहाँ पे जो नियर बाई प्लेसेस आप फ्यूचर में कहीं जाते हैं वो आपको मेल आईडी पे आपको नोटिफिकेशन आती रहती है कि आप इस फ्यूचर इस मंथ में यहाँ घूमने गए थे, जिसे हम बोलते हैं। इस प्रकार से आप इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाते हैं क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स में क्या होता है जी आपको SMS मिल जाते हैं, जैसे आप कहीं बाइक पे हो, कार पे हो, किसी का फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं, कहीं मीटिंग में हो, तो कोई भी मैसेज आप उसे रिप्लाई में भेज सकते हैं, अपने आई कॉल लेटर, यू आई कैन नॉट कॉल मी लेटर, इस प्रकार से आप भेज सकते हैं। उसके बाद आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें जाएंगे तो इसमें जाने के बाद आपके सारे साउंड आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, कोई भी साउंड हो, रिंगटोन हो, वॉल्यूम हो, कॉल वॉल्यूम हो, अलार्म टोन वगैरह सब आपको इसमें मिल जाएंगे, यहाँ जाके यूज कर सकते हैं। वॉइस मेल करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन दो मिल जाता है फ्लिप टू साइलेंस, इस पर जाएंगे, इस पर जाने के बाद इसे ऑन कर देंगे, ऑन करने से आपके फ़ोन के अंदर कोई कॉल आती है तो आप अपने फ़ोन को फ्लिप कर देते हैं तो आपकी वह कॉल साइलेंट हो जाती है। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर अपनी कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो ये थी हमारे फ़ोन की स्मार्ट कॉल सेटिंग की वीडियो। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।